हेलो दोस्तों, मैं मुइन खान आपका स्वागत करता हूँ टच सेलर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 13.2 की। तो प्रॉपर हम लोग लास्ट क्लास में हमने आपको प्रोबेबिलिटी बताया था, प्रोबेबिलिटी होती क्या, प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लगती है, कैसे लगती है, सबको हमको यूज बताया था, ठीक है। बाकी आपको मैंने सैम्पल स्पेस निकालना बताया था और कुछ प्रॉपर्टी का हमने आपको 4-5 पॉइंट बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि ये वाले पॉइंट आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी आप चैप्टर को यूज कर रहे हैं यानी कि पढ़ रहे हैं, तो ये 5 पॉइंट आपको हमेशा दिमाग में अपने रखने हैं। अदरवाइज कोई भी दिक्कत होगी तो फिर समझ सकते हैं ना, क्योंकि प्रॉपर्टी को समझ में आएगा ही नहीं, दिक्कत तो बहुत दूर की बात आएगा ही नहीं समझ में, तो दिक्कत कहाँ से होगी। जब कुछ कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आता तब दिक्कत होती है ना, अदरवाइज पूरे समझ में आएगा दिक्कत कहां से फिर, बस समझ रहे हैं ना चीजें। यानी कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी पढ़नी, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं उनको आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम किसी चीज का आंसर निकालेंगे तो हमको देखना पड़ेगा कि जो वो आंसर आ रहा क्या वो 1 की से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भले वो आपका आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार आइडिया लगा लेंगे तो चीज़ें बिल्कुल सीधे सीक्वेंस में चलता रहेगा, और 2-3 बार आप काम करेंगे तो अपने एक हैबिट पड़ जाएगी, सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो आज हम बात करेंगे क्या 13 पॉइंट प्रश्नावली जो आपकी है 1, उसी के थोड़े से यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर सीधा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना था। तो फॉर्मूला हमने 2 आपको फॉर्मूले बताए थे, ई अपॉन एफ के बताए थे या एफ अपॉन ई का भी बताया था, ठीक है। आप वहाँ ए और बी भी कर सकते हैं। तो ए क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ अपॉन पी एफ होता है। एफ अपॉन ई का अगर निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई होता है, इतनी बात हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी वही चीज़ें होंगे, बस वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आपको पी ई की वैल्यू यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू वहाँ पे गिवन होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू गिवन होती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू गिवन होती थी, बस हमको खाली फॉर्मूले में रखना होता था। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले आपको सैंपल स्पेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सैंपल स्पेस से ही हम लोग सर कंडीशन निकालेंगे। तो फिर यहाँ पे ई निकालेंगे, फिर एफ निकालेंगे, फिर ई से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनाएंगे, फिर दोनों का सर इंटरसेक्शन लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बनाएंगे। उसके बाद सर हम वाले फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 6, 7, 8, 9 जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने स्किप किया है इसलिए वजह से कि उसमें लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। बहुत हुआ आपको देखा जाएगा कि समझना है तो हम उसको लास्ट लेक्चर में बिल्कुल बता दिया जाएगा आपको इस चैप्टर के, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल ना होइएगा। तो हमको इसमें क्या निकालना है, हमको इसमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई अपॉन एफ। तो फॉर्मूला आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें बिल्कुल समझ आएंगी। अब देखिएगा यहाँ समझना क्या है आपको, सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमको निकालना ये चीज़ है, अब इसको आपको पता फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ मेंशन होती है, तो वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं से निकालनी पड़ेगी। वो निकालने के लिए आपको ये सब कंडीशन दे रखी, इन्हीं में से निकालना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपके 3 क्वेश्चन बने हैं, यानी कि पहला वाला क्वेश्चन हम करेंगे, उसी तरह फिर दूसरा तीसरा करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो तो एक ही बनेगा, उनमें से आपको तीनों करने हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बात बोली गई, बोला गया एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में क्या बताया था, हमने कहा एक सिक्के को चाहे 1 बार उछाले, चाहे 2 बार उछाले, चाहे 3 बार उछाले, सबका सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिक्के में पहलू कितने होते हैं, 2, जितनी बार उछालते हैं हम लोग सर उसकी पावर लगाते हैं। तो यहां पे 3 बार उछाले मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 मतलब 8 सैंपल स्पेस बनेंगे, ठीक है। तो हम यहां पे 8 सैंपल स्पेस पहले इसके बना लेते हैं, और बनाना आपको मैंने सिखा चुका हूं। देखिए हमने यहां सैंपल स्पेस बिल्कुल राइट कर दिया, ठीक है। और आपको किस तरह ये हमने निकाला वो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत आसान ही समझाया। अगर कोई भी दिक्कत आपको लगती है देन आप बिल्कुल कॉन्टेक्ट करिएगा, चीजें बिल्कुल समझाई जाएंगी। लेकिन आपको अगर ये चीज समझ में अभी भी नहीं आई तो आप, मैं यही कहूंगा कि आप जाके अभी फर्स्ट लेक्चर ही देखिए, जब तक समझ में आए तब तक आप यहाँ पे जाइएगा, अदरवाइज दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप पहले वाली चीज़ें स्किप करके आप ये समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। भैया प्रोबेबिलिटी है, कभी कभी पढ़ाई भी जाती है, और कहीं कहीं तो पढ़ाई ही नहीं जाती, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ। तो यकीन मानिए आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पे कंडीशन पहले वाली की मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, पहला क्या बोला गया, ई आपको बोला गया, ई क्या बोला गया है, ई आपको यानी कंडीशन दे रखी क्या, तीसरी उछाल पर चित आया हो, यानी कि आपने पहला उछाला हो कोई आया हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा उछाला हो कुछ भी आया कोई मतलब नहीं, जब आपने तीसरी बार उछाला है तो उन्होंने बोला क्या, चित ही आया हो। चित का मतलब क्या होता है, हेड होता है,
ठीक है, चित ही आया हो, आपको तीसरी उछाल में बताना है। तो देखो तीसरी उछाल मतलब क्या, ये तीसरी उछाल हुई, ये तीसरी उछाल हुई, ये तीसरी उछाल हुई, ये तीसरी, ये तीसरी, ये तीसरी, ये तीसरी, ये तीसरी, क्योंकि ये तो पहली उछाल, ये दूसरी उछाल, इसी तरह इन दोनों में बात करेंगे। तो बोला गया क्या, ये जो है आपका क्या आया है, तीसरी उछाल पर चित। तो तीसरी उछाल पर चित मतलब हेड आया ना हो चाहिए। देखो यहाँ पर तीसरी उछाल पर हेड आ रहा है, तो आपका ये हो जाएगा ट्रिपल एच यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तीसरी उछाल पर टेल आ रहा है, हमको चाहिए क्या, चित चाहिए यानी कि हेड चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा क्या, एच टी एच आ जाएगा आपका। यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे आ जाएगा कितना, टी एच एच आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टी टी एच हो जाएगा, बाकी चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। क्योंकि देखो जो जो तीसरी उछाल पे हेड चित था हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एफ क्या बोला जा रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एफ क्या बोला गया, बोला गया पहली दोनों उछालों पर चित आया हो, यानी कि पहली दोनों उछालों पर, यानी कि हमने पहली बार उछाला तब भी चित आया हो, दूसरी बार उछाला तब भी चित आया हो, यानी कि ये बात बोली गई। तो देखो यहाँ पहली दोनों उछालों पर चित आया, यहाँ यहाँ भी पहली दोनों उछालों पर चित आया है, यहाँ देखो पहली तो आया लेकिन दूसरी पर नहीं आया, तो हम ये नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी यानी कि इसमें दो ही मिल रहे हैं आपको, केवल कौन कौन, एक बार तीनों एच वाले मिल रहे हैं और यहाँ पे एच एच टी मिल रहा है, यानी कि इधर देखो पहली उछाल पे आ रहा है लेकिन दूसरी पे नहीं आया, तो इसको नहीं लेंगे। पहली पे आया दूसरी पे नहीं आया ये भी नहीं लेंगे, यहाँ तो पहली वाले भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, इसका मतलब अब कोई नहीं आएगा, ठीक है, आ जाएगा। अब देखो हमको निकालना क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखो फॉर्मूला लिख देंगे तो आपको आइडिया पता चल जाएगा क्या, ई अपॉन एफ निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखते थे, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना आता था, ये आपका होता था पी एफ होता था। इतनी बात समझ में आई, ये चीज़ हम यहाँ पर राइट करते थे, इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब देखो हमको यहाँ जरूरत पी एफ की भी जरूरत पड़ेगी, ई इंटरसेक्शन एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम लोग एफ निकालेंगे तभी तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक। उसी तरह हम लोग पहले ई इंटरसेक्शन एफ तो निकाल लें, तो यहाँ पे हमको पता चल जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ, तो भैया कितना आएगा, सीधा सीधा आपको पता है इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर जो दोनों सेट में जो कॉमन होता है, यानी कि ई और एफ में जो कॉमन होगा वो लिया जाएगा। कॉमन देखने का मतलब क्या, जो दोनों में सेम दिखे। तो यहाँ देखो, यहाँ भी देखो ट्रिपल एच है, यहाँ भी ट्रिपल एच, इसका मतलब ये वाला पोर्सन यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह देखो एच टी एच यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन नहीं, चलिए यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये बस यहाँ पे केवल एक ही मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो ट्रिपल डबल एच टी यहाँ है लेकिन यहाँ देखो यहाँ लास्ट में है, लेकिन यहाँ पे पहले है, तो पहले वो इस तरह दिखना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि चीज़ दिख नहीं रही तो मतलब वो नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक हुआ। अब निकालेंगे क्या, हम लोगों को निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में कितने लोग, देखो भैया एक दो तीन चार लोग हैं, ये चार लोग आए कहाँ से थे, यहीं से तो आए थे, यानी कि टोटल में से आठ ही में से थे। तो मैंने क्या बताया था, जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर बराबर क्या बताया था मैंने, फैक्टर बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल संभावनाएं। तो अनुकूल स्थिति मतलब ये आपकी हो गई, कुल संभावनाएं मतलब ये हो गई, यानी कि चार लोग आए कितने में से, आठ में से हो गया। तो ये काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा, एक बटा दो आ जाएगा। उसी तरह निकालेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग निकालते हैं एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने लोग हैं, देखो दो लोग आए हैं लेकिन आए कहाँ से, आठ में से, तो यहाँ पर आ जाएगा दो बटे आठ हो जाएगा, कटेगा कितना आएगा, एक बटे यहाँ पर आ जाएगा चार आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो निकालेंगे क्या, ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि अब इसमें देखो इसमें कितने लोग हैं, एक लोग हैं, और कितने में से आए हैं, सर आठ में से आए, तो यहाँ पे आठ हो जाएगा, ठीक है। कुल की बात करी जाएगी, जितना आप सैंपल स्पेस बनाएंगे वो कुल आपका वही रहेगा, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पर होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, बाकी जिसकी हम बात करते हैं सब चीज़ हमने निकाल दी। अभी धीरे धीरे दो तीन क्वेश्चन और करेंगे तो आपको और आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एक बटे आठ निकाली, वो हमने यहाँ रखा, अपॉन लगाया। पी एफ, पी एफ कितना निकाला, एक बटे चार निकाला, वो हमने यहाँ रखा। देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, चार बटे आपका हो जाएगा आठ, तो काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा, एक बटे आपका आ जाएगा दो आ जाएगा, जो कि आपका यही आंसर होगा। तो उम्मीद करें मेरी बात आप बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यही आपको देखो इसमें निकालना था तो निकाल आया। अब इसी तरह हम लोग दूसरी कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन में क्या बोला गया, ई आपको क्या दे रखा है, ई आपको दे रखा है न्यूनतम दो चित। तो अब यहाँ पर मतलब समझिएगा, न्यूनतम का मतलब क्या होता है, अधिकतम का मतलब क्या होता है। न्यूनतम कहने का मतलब यह है कि यानी जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो नंबर उसके आगे वाले नंबर की मैं बात करूँगा, ठीक है। यानी कि हम लोग जब न्यूनतम दो चित की बात करूँगा तो दो तो आएगा ही आएगा, दो के आगे कितना होगा,
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह के हम नंबर की बात करेंगे। और अधिकतम की यहाँ बात हो रही है, अधिकतम दो चित का मतलब जिस नंबर की बात हो रही है तो वो तो आएगा ही आएगा, उसके बाद में जितने नंबर होते हैं वो आएगा। क्या आएगा? दो होता है, दो के पहले क्या होता है? वन होता है, वन के पहले क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि जीरो के बाद में नहीं जाना हमको, केवल बस जीरो, वन और टू। यानी कि दो, अधिकतम दो की बात हम करेंगे, मेरी बात थोड़ा ध्यान सुनिएगा, अधिकतम जब हम दो की बात करते हैं तो वो नंबर उसके पहले वाले नंबर आते हैं, और न्यूनतम जब दो की हम बात करते हैं तो वो नंबर उसके आगे वाले नंबर की हम बात करते हैं। यानी कि जहां तक चीजें पॉसिबल होंगी वो हम वहां तक ले लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। तो यहाँ पे ई क्या बोला गया? ई बोला गया है कि आपको वो चीज सैंपल स्पेस में वो चीज आपको उठानी है जिसमें न्यूनतम दो चित हों। अब न्यूनतम दो चित का मतलब क्या? सर जहां दो चित होंगे वो भी लेंगे, जहां सर दो से ज्यादा यानी कि तीन चित होंगे वो भी लेंगे, क्योंकि तीन से ज्यादा कोई चित आपको निकलेगा नहीं, क्योंकि आपने तीन ही बार उछाला है। बात समझ रहे हैं? सभी आपने चार बार उछाला होता तो हम दो चित वाले भी लेते, तीन चित वाले भी लेते और चार चित वाले भी लेते, लेकिन यहाँ पे तीन बार केवल हमने उछाला है। तो अधिकतम न्यूनतम दो चित का मतलब सर दो भी लिया जाएगा और जहाँ सर तीन चित होंगे वो भी लिया जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो चित जहाँ होंगे वो भी लिया जाएगा और जहाँ तीन चित होंगे वो भी लिया जाएगा। देखो यहाँ पे तीन चित है तो यहाँ भी लिया जाएगा। तो ये सैंपल स्पेस आपकी इन तीनों कंडीशन की क्वेश्चन के लिए यूज होगा, याद रखिएगा। सबका अलग अलग नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही बार बोला गया था बनाने के लिए। तो न्यूनतम दो चित का मतलब सर दो भी आएगा और तीन चित वाले भी आएगा। देखो यहाँ दो चित वाला दिख रहा है, बिल्कुल सर आएगा। आगे सर गए, यहाँ भी सर दो दो चित दिख रहे हैं, बिल्कुल आ जाएगा, एच टी एच। वहाँ गए सर, ठीक है, यहाँ पे देखो दो चित तो है लेकिन यहाँ पे एक ही चित है, तो ये तो आएगा नहीं, हमको दो चाहिए और तीन ज़्यादा चाहिए। यहाँ देखो दिख रहा है सर टी एच एच आ जाएगा, यहाँ देखो ये नहीं आएगा, यहाँ देखो ये भी नहीं आएगा, यहाँ भी देखो यह भी नहीं आएगा। यानी कि हमको केवल दो चित वाले ही चाहिए और तीन चित वाले चाहिए, बाकी उससे कम वाले नहीं चाहिए। बात समझ रहे हो? ये वही हो जाएगा। अब निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे एफ, निकालेंगे एफ क्या बोला गया? अधिकतम दो चित। अधिकतम दो चित का मतलब क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था यानी जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसके पहले वाले नंबर। अब अधिकतम दो चित का मतलब जहां सर दो चित आए होंगे वो लेंगे, जहां एक चित आया होगा वो लिया जाएगा, जहां सर जीरो चित आए होंगे वो लिए जाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपसे कहा था कि न्यूनतम चित की हम बात करें, न्यूनतम की हम बात करते हैं जिस नंबर की हम बात करते हैं वो नंबर उसके आगे वाले नंबर लिए जाते हैं, और जब अधिकतम की हम बात करते हैं तो वो नंबर उसके पीछे वाले नंबर केवल जीरो तक लिए जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे आपको अधिकतम दो चित की बात बोली गई है, यानी कि इस सैंपल स्पेस में जहां जहां दो चित होंगे वो लिया जाएगा, उसके पहले यानी कि एक चित वाला लिया जाएगा, और जहां जीरो चित होंगे वो वाला भी लिया जाएगा। यहां देखिए, यहां दो चित से ज्यादा है तो यहां ले नहीं सकते, यहां ले सकते हैं, ठीक है। तो एच एच टी दो चित यहां पे है, यहां भी ले सकते हैं, कितना? एच टी एच आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चित है, बिल्कुल लिया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था एक जीरो और दो वाले है ना। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी है तो यहाँ भी लिया जाएगा, कितना? टी एच एच, ये भी आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? टी एच टी आ जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा? टी टी एच आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका? ट्रिपल टी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे बनेगी। इतनी बात समझ में आई? तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे बनेगी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन हो गई, अब हमको निकालना क्या? अब हमको निकालना भैया ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ हम निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब सर जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या दिख रहा है? देखो सर ये कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना? एच एच टी लिख लेते हैं। और क्या कॉमन दिख रहा है? एच टी एच दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एच टी एच हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे मिल रहा है क्या? टी एच एच, हाँ बिल्कुल सर मिल रहा है। तो यहाँ पे टी एच एच हो जाएगा आपका, टी एच एच यहाँ पे हो जाएगा, एच टी एच यहाँ पे हो जाएगा, एच एच टी यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है यहाँ पे ये चीज़, हाँ और कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि तीन ही लोग दिख रहे हैं, तो हम केवल तीन यहाँ बना लेंगे। अब निकालना है क्या? अब हमको सर निकालना, तो फॉर्मूला आपने ये बताया था क्या? ई बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना हो जाएगा? अपॉन पी एफ हो जाएगा। ये चीज़ आपने बताई थी, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे? देखो ई में कितने लोग हैं? सर चार लोग हैं। आए कहाँ से? सर आठ लोगों में से, तो आठ लोग हो जाएंगे। काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा? एक बटे दो आ जाएगा। और उसी तरह हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना निकालेंगे? एफ निकालेंगे। एफ में कितना बच्चा आया? तीन, तीन छः एक सात लोग आए हैं, सात लिखा। कितने में से आए थे? सर आठ में से आए, तो हमने आठ लिख दिया। निकालेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, ठीक है। अब जो चीज़ हम यहाँ पे साइड में कर रहे हैं उसको आपको जस्ट नीचे करना, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, है ना।
बात समझ रहे हैं ना, इंटरसेक्शन एम पे कितने लोग हैं? सर 3 लोग हैं, और आए कितने में से थे? 8 में से आए थे, हमने रख लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी थी? 3/8 थी, वो हमने रखा। पी एफ की वैल्यू कितनी थी? पी एफ की वैल्यू 7/8 है, तो वो हमने रखा। तो यहाँ इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3/7, तो क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात आप बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ें आपको करनी है, अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिएगा, बहुत नॉर्मल है, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस मैं आपको इसलिए बना देता हूँ कि चीज़ें आप जल्दी से ये निकाल पाएँ, और आप ये निकाल पाएंगे तो प्रोबेबिलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? चलिए हम बात करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट क्या बोला गया? ई बोला गया अधिकतम 2 पट। तो अधिकतम 2 पट का मतलब क्या? जहां पे सर 2 पट होंगे वो लिया जाएगा, जहां 1 पट होगा वो लिया जाएगा, जहां पे 0 पट होंगे वो लिया जाएगा, क्योंकि सर यहां पे अधिकतम आया है, ठीक है। तो यहां पे ई आपका क्या हो जाएगा? अधिकतम 2 पट। तो अधिकतम 2 पट का मतलब सर जहां पे 0 पट होंगे, देखो यहां पे 0 पट का मतलब टेल की बात कर रहा, तो यहां पे सर 0 टेल है तो ये लिया जाएगा आपका, और जहां पे सर 1 होगा वो भी लिया जाएगा। तो यहां पे देखिए HST आ जाएगा, यहां भी HT H आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका 2 है 2 लिया जाएगा, यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिया जाएगा आपका। बात समझ रहे हैं ना मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ कितना आ जाएगा? THT आ जाएगा, और यहाँ पे TTH आ जाएगा। तो अधिकतम 2 पट की बात यहाँ कर लेंगे। अब यहाँ F क्या बोला गया, देखिए ध्यान से, F आपका बोला गया है न्यूनतम 1 पट। न्यूनतम 1 का मतलब क्या होता है? बात समझ रहे हैं? न्यूनतम 1 का मतलब क्या होगा? जहाँ पे 1 पट होगा वो लिया जाएगा, जहाँ पे 2 पट होंगे वो लिया जाएगा, जहाँ पे 3 पट होंगे वो लिया जाएगा। यानी कि न्यूनतम की बात करेंगे तो हम लोग हमेशा ऊपर की तरफ भागेंगे, अधिकतम की बात करेंगे तो हमेशा हम लोग नीचे की तरफ भागेंगे। बात समझ रहे हैं? तो न्यूनतम, तो यहाँ पे हम लोग 1 पट की बात बोली गई, तो 1 क्या आ गया, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? न्यूनतम 1 पट। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम 1 पट का मतलब क्या होगा? यहाँ 1 पट होगा वो, जहाँ 2 पट होंगे वो, जहाँ 3 पट होंगे वो। तो यहाँ देखिए यहाँ भी 1 पट है तो ये लिया जाएगा कितना? HT आ जाएगा, यहाँ भी 1 है तो HTH आ जाएगा, यहाँ पे HTT आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? THH आ जाएगा, THT आ जाएगा, TTH आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ पे 3 पट होंगे वो भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 बार उछाल लें तो मैक्सिमम 3 ही बार तो जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी आ गई। अब निकालना क्या? अब हमको निकालना ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। ध्यान से देखो, ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? ये चीज़ कॉमन दिख रही है, बिल्कुल सर दिख रही है, हमें निकली यहाँ पे HTH हमने राइट कर लिया, HTT राइट कर लिया, तो HTT हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये इधर, ये इधर, ये इधर है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये मैच कर रहा है, ये भी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद HT THT आ जाएगा, फिर यहाँ पे THT यहाँ भी है तो ये भी मैच कर रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा TTH हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 6 लोग आपके कंडीशन आएंगे। अब हमको निकालना क्या? हमको सर निकालना है E/F निकालना है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, क्योंकि नीचे वाली सर गिवन होती है, ऊपर वाली निकालनी पड़ती है ना। तो अभी चीज़ें आएंगी आपकी सब, तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाते रहिएगा। ई इंटरसेक्शन यहाँ पे आपका F हो जाएगा, अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा? अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा आपका PF हो जाएगा। ई इंटरसेक्शन F का मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ E पहले निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे E की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में ये जाएगी है, तो लेकिन चलो निकाल लेते हैं। E में कितने लोग आए? 1 2 3 4 5 6 7 सात लोग आए, आए कहाँ से भैया? 8 से, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम निकालेंगे कितना? F निकालेंगे। F में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 सात ही है ना, 7 आए, कितना हो जाएगा? 8, क्यों 7 आए हैं लेकिन आ गए हैं कहाँ से? 8 से आए, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो E इंटरसेक्शन F में कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, और आए कितने? 8 में से, तो यहाँ पे 6/8 हो जाएगा। उसको काट नहीं रहे, बाद में यहाँ काटेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू कितनी आ गई? 6/8 आ गई। यहाँ PF की वैल्यू कितनी आ गई? 7/8 आ गई। इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा? 6/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। तो चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि चलिए हम कैसे निकाल लें। तो जब तक मेरी बात ध्यान से नहीं समझेंगे, आप लिखने में पड़े रहेंगे, तो चीज़ें बिल्कुल बेकार है। क्योंकि प्रोबेबिलिटी बेटा ऐसा चैप्टर है कि आपको एक बार लग गया कि बहुत टिपिकल है, तो यकीन मानिए हमेशा दिमाग में रहेगा कि बहुत कठिन है, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। थोड़ा सा बस आपको समझना पड़ेगा मेरी बातों को, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतम न्यूनतम, आपको बात नहीं समझ में आ रही, तो आप कहीं पर वीडियो पॉज करके उसको लिख लिया करिए,
बात समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब भी मैं बोलूंगा तब भी आपको दिमाग में चीजें रहेंगी, है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ क्या बोला गया, लिखा है दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी हमको पीई बाई एफ निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक जो बात बोली गई है वो आपको ई बाई एफ ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, दो सिक्कों को एक बार उछाला जाता है। अब मैंने कहा था चाहे एक सिक्के को दो बार उछालिए चाहे दो सिक्कों को एक बार उछालिए, बात दोनों की सेम होती है। तो इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, सैंपल स्पेस एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हैं चाहे दो सिक्के को एक बार उछालिए, बात देखिए, यानी कि दो पहलू होते हैं और दो बार उछाल रहे हैं, 2 की पावर 2 यानी कि 4 बनेगा। तो 4 क्या बनेगा सर, दोनों बार एच आ सकता है या एक बार एच एक बार टी आएगा या एक बार टी एक बार एच आएगा, और यहाँ पर आएगा दोनों बार टी आएगा, ये कहानी बन सकती है। अब थोड़ा सा ध्यान समझिएगा यहाँ पर पॉइंट क्या है, है ना। तो ये तो आपका सैंपल स्पेस हो गया, लेकिन अब ई क्या कह रहा है वो तो देखो। यह बोला गया एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, यानी ई बात बोली गई है कि एक सिक्के पर क्या पट प्रकट होता है। तो कहाँ पे एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है, देखो यहाँ पे एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है और यहाँ पे आपका एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है। पट का मतलब टेल की बात कर रहा है, यहाँ क्या बोला गया एक सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों सिक्के पर पट प्रकट हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको केवल एक सिक्के पर चाहिए। देखो एक बार यहाँ हो रहा है एक बार यहाँ हो रहा है, यानी कि ये आपका ई में आ जाएगा कितना, एक बार एच टी आ जाएगा, एक बार आ जाएगा कितना टी एच आ जाएगा, ये तो आपका ई हो जाएगा। अब निकालेंगे हम लोग क्या, हम लोग निकालेंगे एफ। एफ क्या होगा भैया, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, क्या एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, ठीक है। तो अब यहां पॉइंट समझिएगा, चित्त प्रकट होने का मतलब क्या है, चित्त का मतलब हेड, यानी कि एक सिक्के पर इस बार हेड होना चाहिए। यहाँ देखो दोनों सिक्कों पर हेड आ रहा है तो लेना ही नहीं है, हमको केवल एक सिक्के पर लेना है। देखो एक सिक्के पर हेड आ रहा है, एक सिक्के पर हेड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, एच टी टी एच आ जाएगा। अब यहाँ सर निकाल लेते हैं हम लोग इंटरसेक्शन, तो ई इंटरसेक्शन सर हम एफ निकालेंगे, तो ई इंटरसेक्शन के अब क्या आएगा, दोनों में सर कॉमन है वही चीज़, तो यहाँ पर आ जाएगा एच टी, यहाँ पर आ जाएगा कितना टी एच आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू देखिए, अब इसकी तो हमने निकाला है नहीं, है ना, पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी तो बना लें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आएगा भैया, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, आए कितने में से, 4 में से, काटेंगे 2 से तो कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे, कितने लोग आए भैया, दो लोग, आए कितने में से, 4 में से, कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालेंगे कितना, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, कितने लोग हैं, दो लोग हैं, काटेंगे इससे, 4 ही लोग में से है ये, तो आएगा कितना, 1/2, ये भी आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने निकाली कितनी, 1/2 निकाली। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 1/2 निकाली। दोनों चीज सेम है, ऊपर कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने आपसे कहा नहीं था कि प्रोबेबिलिटी भैया 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी भैया 1 भी हो सकती है, उनके बीच में ही रहनी चाहिए। देखो 1 आया कि नहीं आया, तो ये भी आपकी आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, ये क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा पार्ट था, ये आपका पहला पार्ट था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बोला गया, बोला गया कोई पट प्रकट नहीं होता है, ई आपको बोला गया है, यानी कि सैंपल स्पेस में हमको वो सब चीज़ें लेनी हैं जहाँ पे कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट का मतलब टेल की बात कर रहा है, तो इनमें देखिए कहाँ पे टेल प्रकट नहीं हो रहा, टेल यहाँ भी आ रहा, टेल यहाँ भी आ रहा, टेल यहाँ भी आ रहा, बस केवल यही बचता है, यहाँ पे टेल नहीं आ रहा, तो मतलब ये चीज़ हो जाएगी इसमें। अब यहाँ निकालेंगे एफ निकालेंगे, अब एफ में क्या बोला गया, कोई चित्त प्रकट नहीं होता, यानी कि अब हमको वो चीज़ सैंपल स्पेस से लेनी है जहाँ पे कोई चित्त मतलब हेड ना आया हो। देखो हेड यहाँ भी आया, हेड यहाँ भी आया, हेड यहाँ भी आया, बस केवल बचा आपका ये, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते थे क्या, हम लोग निकालते थे ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए कुछ चीज़ सेम दिख रही है, सेम है ही नहीं, मतलब कोई चीज़ कॉमन नहीं आएगा, मतलब वो आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। 5 का मतलब कुछ नहीं आया, ठीक है। आप 5 भी लिख सकते हैं या आपकी मर्जी, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें सेम है, बस समझ रहे हैं। तो ये आप सेट पढ़ा होगा तो ये समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ रहा तो इसमें देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो देखो यहाँ पे कोई चीज़ आई कहाँ, है ना, ये भी आप समझ सकते हैं। अब हमको निकालना पड़ेगा क्या, हमको तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, लेकिन सर फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पी एफ हो जाएगा। इतनी बात समझ जाए, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो आप पॉइंट थोड़ा समझिएगा, ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना होगा, यहाँ देखो एक लोग हैं, आए कितने में से, 4 में से आए थे, 4 हो जाएगा।
उसी तरह निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में भी एक लोग हैं लेकिन आए कहाँ से थे, चार में से, तो एक बटा यहाँ पे चार हो जाएगा। और उसी तरह भैया हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ में कितने लोग हैं, जीरो लोग हैं, कुछ है नहीं। आए कितने में से, चार में से, कुछ आया नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका जीरो हो जाएगा। अभी हम किसी नंबर को जीरो से भाग देते तो वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, लेकिन हम जीरो को किसी नंबर से भाग दे रहे हैं तो आपका जीरो ही आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू सर जीरो आई। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू सर एक बटा चार आ गई। तो जीरो में किसी भी नंबर का आप भाग दो कितना आ जाएगा, वो हमेशा आपका जीरो रहेगा। तो क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो भैया देखो हम बात करेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 9 के, यहाँ लिखा है क्या, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यदृश खड़े हैं, ठीक है, यानी कि एक फैमिली फोटो है, एक तरफ पापा एक तरफ मम्मी और बीच में लड़का खड़ा है, ठीक है। कभी कभी किसी घर में इस तरह फोटो होती है, या कुछ ऐसी भी फोटो होती हैं कि पापा मम्मी साथ में खड़े हैं, बेटा अलग खड़ा हुआ है, ठीक है, बेटा इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा, किसी तरह हो सकते हैं। यानी कि कितनी पॉसिबिलिटी, कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, वो सब पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे। यानी कि फोटो सबके घर में किस किस तरह के लग सकते हैं, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटी कंडीशन होगी सबसे पहले वो लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये सब चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। तो सैंपल स्पेस दोगे इसका कैसे बनेगा, बहुत आसानी तरीके समझाऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा, है ना। सैंपल स्पेस यानी कि हम हर कंडीशन यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने मम्मी को पहले बीच में खड़ा कर दिया। जब मम्मी इधर खड़ी हो गई तो क्या करेंगे, एक तरफ फादर खड़े हो जाएंगे, एक तरफ आपके सन खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। अभी बात समझिएगा नहीं तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर सन क्या इधर नहीं खड़ा हो सकता, फादर इधर नहीं खड़े हो सकते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सब करा जाएगा, ठीक। तो हमने यहाँ क्या किया, इसमें मम्मी को खड़ा कर दिया, यानी फादर खड़ा कर दिया, तो मम्मी इधर आ जाएंगी बेटा और सन आपके इधर आ जाएंगे, बीच में सन आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम केस में यही चीज़ मिलती है, लेकिन हमको सब पॉसिबिलिटी बतानी है, यानी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, उसके भी आप पे काम करना है। तो एक तरफ फादर आ जाएंगे, एक तरफ आपकी मम्मी आ जाएंगी, इतनी बात समझ आई। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है, ये तो कंडीशन बन गई। अब देखो ये सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये चीज़ आ रही होंगी ना कि सर सन तो इधर हो सकता है, फादर भी इधर हो सकता है, या सर सन इधर हो सकता है, मदर भी इधर हो सकती है, या सर मदर इधर हो सकता है, फादर भी इधर, ये भी तो चीज़ें आ रही होंगी, लाजमी सी बात आना चाहिए, वो मेरे में भी आ रही है। तो हमने क्या किया, भैया मदर बीच में खड़ी है, तो हमने कहा भैया फादर इधर खड़े हैं, मदर बीच में खड़ी है, सन इधर आ जाएगा। तो क्या पता इस बार सन इधर हो फादर इधर हो, जब सन इधर हो जाएगा तो यहाँ, लेकिन मदर तो आपके बीच में रहेगी ना, यही तो आप कह रहे थे कि सर सन को इधर खड़ा कर दीजिए फादर को इधर, तो देखो दोनों कंडीशन हमने बना ली। उसी तरह यहाँ पे मदर यहाँ पे आ जाएंगे, फादर यहाँ पे आ जाएगा, सन यहाँ पे आ जाएगा, जब सन इधर आ जाएगा फादर बीच में रहेंगे तो मदर उधर पहुँच जाएंगी, या यहाँ पे फादर सन मदर हो जाएंगी, या मदर सन फादर हो जाएंगी, तो ये भी कंडीशन आपकी बन सकती है। इतनी बात समझ में आई, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ गई, अब हम निकालेंगे क्या यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हमको सैंपल स्पेस तो बन गया, इतनी ही कंडीशन बनेगी, याद रखिएगा किसी के यहाँ जब तीन लोग हुए हैं, कोई भी जगह के फोटो देख ले, गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी फोटो देख लोगे जाके जो हमने सैंपल स्पेस लिखा है, इनका ही यही ऑर्डर होगा, या तो फादर इधर होंगे, मदर इधर होंगे, या सन इधर यहाँ होगा, या तो ज़्यादातर सन बीच में होगा, तो फादर मदर कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा रहेंगे जो छह चीज़ हमने लिखी है इसी के अंदर रहेंगी, याद रखिएगा, इससे बाहर कोई चीज़ नहीं होती। घर में फोटो हो तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तीन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, बात समझ रहे हैं, इसमें अब चार लोग बना लीजिए कि सर आया ही नहीं, है ना, तो वो चिन्ह नहीं। अब ई देखो क्या है, बोला गया, ई बोला गया है पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, यानी कि हमको सैंपल स्पेस में वो चीज़ लेनी है, पुत्र कहाँ खड़ा हो, एक सिरे पर खड़ा हो, चाहे वो इधर खड़ा हो चाहे इधर खड़ा हो, उससे मैटर नहीं करता। तो पुत्र कहाँ सिरे पर खड़ा, देखो पुत्र यहाँ पे सिरे पर खड़ा है, वो लिख लेंगे कितना, एफ एम एस ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एस एम एफ आ जाएगा, ठीक है। पुत्र देखो यहाँ पे एक सिरे पर खड़ा है ना, यहाँ पे देखो एफ एस आ जाएगा और एस एफ एम आ जाएगा, पुत्र यहाँ, लेकिन यहाँ बीच में खड़ा तो हमको तो लेना ही नहीं। तो एफ देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एफ यहाँ बोला जाए पिता कहाँ है, पिता मध्य में खड़े हैं, तो पिता भैया मध्य में कहाँ, पिता देखो यहाँ पे मध्य में, यहाँ मध्य में, तो हम ये बना लेंगे इतना एम एफ एस यहाँ बना लेंगे, यहाँ आ जाएगा एस एफ एम आ जाएगा, इतनी बात समझ में आई। अब हमको क्या निकालना होता है, सर हमको निकालना होता है इंटरसेक्शन, तो भैया देखो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कोई चीज़ कॉमन है, ये चीज़ देखो यहाँ भी आ रही, ये चीज़ देखो यहाँ भी आ रही, यानी कॉमन क्या मिल रहा है, एफ एम एफ एस और एस एफ एम आपका कॉमन मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्या लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब चार लोग हैं, चार ही लोग तो हैं, और आए कहाँ से, छः में से आए, तो यहाँ आ जाएगा, काटेंगे पीटेंगे कितना आएगा, दो बटे तीन आएगा, या नहीं काटेंगे तब भी काम चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हम एफ निकालेंगे, एफ में कितने लोग भैया, दो लोग हैं,
आए कहाँ से? सर 6 से तो आएंगे क्योंकि सैंपल इस पर टोटल 6 ही है, काटेंगे कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें कितने लोग हैं इंटरसेक्शन एफ में? 2 लोग हैं, आए कहाँ से? 6 लोग, कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। अब सर फॉर्मूला रखेंगे कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, फॉर्मूला क्या होता था? अब उम्मीद करते हैं फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पी एफ आ जाएगा, ठीक है ये चीज़ आ जाएगी। अब ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ की हम बात करेंगे तो 1/3 वहाँ पर भी है, पी एफ का मतलब वहाँ भी 1/3 है, तो काटेंगे पीटेंगे कितना आ जाएगा, पूरा कंप्लीट सबका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करें मेरी बात अब आप समझ में आ रही होगी, आप कंडीशन निकालना भी आप सीख रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह जब लगातार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें बिल्कुल समझ आएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप क्वेश्चन को चेकआउट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और ये सब क्वेश्चन आपके बोर्ड में बनते हैं, ऐसे ही मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हर बार कहीं ना कहीं देखे गए हैं, आप प्रॉपर आंसर उठा के चेकआउट कर सकते हैं, तो आप खुद ही एक बार आइडिया लगा सकते हैं कि चीज़ें यहाँ बनती कि नहीं बनती। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 लिखा है क्या, एक काले पासे और लाल पासे को उछाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाल पासा है, एक आपका काला पासा है, इसका मतलब क्या, दो पासे तो हुए आपके सामने, एक लाल कलर का पासा है, नॉर्मल हम जब लूडो खेलते हैं क्या होता है जो हमेशा जो पासे होते हैं आपके व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन यहाँ बात बोली गई क्या, एक आपका लाल पासा है और एक आपका काला पासा है, यानी कि पहले कौन सा पासा है, पहले आपका काला पासा, दूसरा आपका लाल पासा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल इतना लेके चल रहे हैं कि भैया दो पासे की यहाँ बात हो रही है और दो पासे का सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है, क्योंकि जब हम फेंकते हैं तो 36 चीज़ें आती हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था, तो कैसे बनेगा भैया, या तो सर पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 1, या तो पहले वाले पे 1 दूसरे वाले पे 2, याद आ गया ना, तो इसी तरह हम लोग यहाँ बना लेते हैं सैंपल इस पर बना लिया। अब देखो यहाँ पहले किसकी बात हो रही थी, पहले काले पासे की बात हो रही, यानी कि जो फर्स्ट पर पोजीशन पे आ रहा होगा वो आपका काला पासा आ रहा होगा, यानी कि जितनी ये लाइनें आपकी हैं काले पासे, यानी कि जो आपके ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें लिखी हैं, मतलब जो पहला वाला नंबर लिखा हुआ आपका काला पासा है, जो दूसरा वाला नंबर लिखा हुआ आपका वो रेड पासा है, ठीक है, यानी कि काला पासा दूसरे वाले पे रेड पासा, यहाँ पे काला पासा यहाँ पे रेड पासा, इस तरह की चीज़ें आप समझ सकते हैं, क्योंकि पहला आप काला बोला गया तो दूसरा आपका लाल बोला गया, तो हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या बोला गया है, अब क्योंकि अब देखो यहाँ पे तो अब ना आपको ई करके दे रखा है ना ही आपको एफ करके दे रखा है, क्योंकि जो भी अभी ने क्वेश्चन किए वहाँ पे आपका ई अलग था एफ अलग था, आपने बनाया आपने काम खत्म कर दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, अब हमको निकालना क्या, हमको निकालना है तो आप ई अपॉन एफ निकालना है, या आप अपने अकॉर्डिंग बनाना चाहें तो आप एफ अपॉन ई बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ सर गिवन होगी उसको सर हम नीचे रखेंगे, जो चीज़ ऊपर होगी वो सर हमको निकालना होता है, यही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी। अब देखो इसमें जो चीज़ आपको दिया हुआ है उसको आप रखिए कहाँ, आप रखिए नीचे, जो चीज़ आपको निकालना है उसको आप रखिए ऊपर। तो हमेशा हम लोग हमेशा जो फॉर्मूला यूज करते थे क्या, ए अपॉन बी यूज करते थे या ई अपॉन एफ यूज करते थे अधिकतर, तो हम लोग हमेशा ये यूज करेंगे, तो ई वाले को हम लोग हमेशा निकालते थे और एफ वाले को हमेशा हम लोग गिवन रखते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का, ये चीज़ तो आपको पहले यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है, मैं इसलिए साइड बना रहा हूँ कि आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी हो, है ना, ये चीज़ पहले तो आपको यहाँ बनानी है। अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ गिवा है, तो पहले पढ़ते हैं, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक की, पॉइंट समझिएगा, पासों पर प्राप्त संख्याओं, यानी कि जो पासे हमने एक बार फेंका जो नंबर आया उन दोनों नंबर को हमने ऐड कर लिया, यानी पहले वाले पे एक आ रहा होगा दूसरे वाले 5 हो रहा होगा, ऐड करेंगे कितना आएगा, टोटल नंबर 6 हो जाएगा, तो वही बात यहाँ बोली जा रही, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी, यानी कि हमको ये जो पोर्शन दे रखा है स्टार्टिंग लाइन इसको हमको निकालना है, और जिसको हमको निकालना होता था सर उसको हम लोग ऊपर रखते थे, अभी तक जितने भी फॉर्मूले रखे हैं हम लोग ऊपर किसको रखें, ई को रखें, तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, ई बना लेंगे, यानी ई आपका हो जाएगा क्या, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। अब मैं ई में क्या लिखूंगा, जो जो नंबर आएंगे, अब आपको वो नंबर यहां रखने हैं जब आप पासा फेंके थे, फिर आपने देखा है कि हाँ जो संख्याएं मिली हैं उनका योग क्या होना चाहिए, 9 से अधिक, 9 से अधिक का मतलब 10 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, यही तो होगा, 12 ही तक होगा, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 ही तो आएगा, या तो पहले वाले में 6 होगा दूसरे वाले में 6 होगा, टोटल जगह 12 ही तो होगा, और 13 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 से 6 तक तो नंबर होते हैं दोनों पासों पे, बात समझ में आई, यानी कि 12 तक ही बात होगी केवल। तो अब ऐसे से कौन सा नंबर है जो 10 भी देख रहा हूँ, देखो 6 4 10 दिख रहा है, ये भी 10 आएगा, ये भी 10 आएगा, और बाकी ये 11 दे रहा है, ये 12 दे रहा है, यानी टोटल आपके कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग हैं, कौन कौन से, देखिएगा 4, 6,
क्योंकि हमको क्या लेना, हमको वो नंबर लेना है यानी कि पासा उठाना है इनमें से जो इनका योग करें क्या आना चाहिए दोनों नंबरों का, वो 9 से क्या है ज़्यादा आना चाहिए, 9 से ज़्यादा क्या होगा 10 होगा, 11 होगा और 12 होगा, क्योंकि मैक्सिमम एक पासे पे 6 नंबर होता है, तो मतलब पहले वाले में भी 6 आया, दूसरे वाले भी 6 आया, टोटल होगा तो 12 ना, तो अधिकतर हम लोग आएंगे 12 तक, तो यानी कि 4.6 भी देखो 10 मिल रहा है, 5.5 भी देखो 10 मिल रहा है, तो वो आ जाएगा 5.5 10, और यहाँ पे कितना आएगा और इसमें ये चीज़ हो जाएगी 6.4 हो जाएगा इस बार, चलिए ठीक है ये भी 10 मिल गया, अब बनेगा यहाँ पे 6.5 हो जाएगा, अब आएगा यहाँ पे कितना 5.6, तो यहाँ पे आ जाएगा 5.6 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा कितना 6.6 आ जाएगा, ठीक है तो ये कंडीशन यहाँ बनी। अब देखिए यहाँ पे एफ निकालते हैं, क्योंकि अब पहले वाला पता चल गया निकालना था तो हमने उसको ई मान लिया, तो दूसरा वाला क्या होगा एफ होगा, और एफ क्या होता था हमेशा नीचे रखते थे वो आपको दिया जाता था, देखो कहीं ना कहीं यहाँ मेंशन होगा क्या, ज्ञात कीजिए यदि या ज्ञात हो, ज्ञात होने का मतलब यदि या दिया हो, यदि या दिया हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हो, यदि या दिया हो कि काले पासे पर 5, और काला पासा क्या था सर जो पहले वाला नंबर था, देखो पहले वाले नंबर 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, देखो लगातार यहाँ 4, काले वाले पासे पे देखो काला वाला क्या आगे वाला नंबर तो होता था, काले वाले पास देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ भी काले वाले पास है, यहाँ पर यानी कि 6 लोग हैं जहाँ काले वाले पे 5 प्रकट हो रहा है, काले वाले की बात करो क्योंकि हमने बताया था काला वाला क्या होगा जो ब्रैकेट के अंदर पहले वाला वो काला, तो देखो 5 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी, तो यानी कि ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक लिखी जाएगी, ठीक है तो क्या हो जाएगा 5.1 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 5.2 आ जाएगा, 5.3 आ जाएगा, 5.4 आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा, एंड 5.6 आ जाएगा, ठीक है ये कंडीशन बनेगी। अब निकालेंगे क्या ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा जो सर कॉमन होगा, तो कॉमन देख लीजिए कौन कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ 5.4 है, 5.4 ये तो मिलेगा नहीं, 5.5 बिल्कुल सर मिल रहा है, 5.5 हो जाएगा कॉमन, और क्या दिख रहा है 5.5 हो गया, 5.6 है यहाँ पे, तो 5.6 भी यहाँ पे, तो ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ये नहीं यही दोनों चीज़ कॉमन मिली। अब निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में कितने लोग हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग हैं, लेकिन आए कहाँ से 36 में से, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। उसी तरह निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या एफ निकालेंगे, एफ में कितने लोग 1, 2, 3, 6 लोग हैं, आए कहाँ से 36 में से, तो 6/6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 1/6 आएगा। अब निकालेंगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत बार यूज कर चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है ई इंटरसेक्शन एफ में कितने लोग हैं 2 लोग, लेकिन आते कहाँ सैंपल स्पेस में, यानी कि 2 यहाँ पे आए भैया 36 में से, काटेंगे कितना हो जाएगा 1/18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आई 1/18 आई, वो हमने रख दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की वैल्यू कितनी आई 1/6 आई, 6 ऊपर जाएगा ये आपका नीचे आएगा, रूल होता है ये लाइन आपको बनाने के समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है यानी आप भी बनाने बैठ जाइए, ठीक है तो कितना काटेंगे जब इसे काटेंगे तो 1 बार या 3 बार कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करें मेरी बात आप बिल्कुल अच्छे समझ आ रही होगी, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर करिएगा, ठीक है तो इसका जो बी पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है प्रॉपर, उसको प्रैक्टिस के लिए मैंने उसको स्किप किया, अगर कोई दिक्कत है जो आपके नोट्स मिलते हैं आप उसमें देख सकते हैं समझ सकते हैं, मेरी बात आप समझ रहे हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करिएगा फिर से मेरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छे से बेटा मैंने समझाया है, ऐसी कोई चीज़ मैंने कहा किसी कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं जाएगी जो आपको आगे जाके दिक्कत करे, सब चीज़ बोलूँगा बस थोड़ा सा आपको ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, अगर कोई दिक्कत लग रही है देन बिल्कुल आप कॉन्टेक्ट करिएगा, चीज़ें बिल्कुल समझाई जाएंगी A to Z, उम्मीद करें मेरी बात आप बिल्कुल अच्छे समझ पा रहे होंगे। तो इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।